क्लास एट का चैप्टर करते हैं, चैप्टर एट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल को नोटिस किसने किया? जैसे हम ये सोचते हैं ना कि एक चीज़ बनी है, एक बॉडी बनी है, तो उस किन चीज़ों से बनी है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में नोटिस किया एक कॉर्क सेल को। कॉर्क होता है एक स्पंजी सा, ट्री की बार्क में से निकलता है कॉर्क। उसको उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर कुछ शेप्स बनी हुई थी, हॉलो स्पेसेस थी। वो जैसे सेल होती है ना रूम्स, वो सेल जैसा स्ट्रक्चर देख के उसने नाम दे दिया साइंटिस्ट ने इसको सेल का। है क्या सेल? सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे छोटा जो जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो सेल है। सेल एक ही टाइप के सेल्स मिलके या कुछ और टाइप्स के सेल्स मिलके एक टिशू फॉर्म करते हैं। टिशू का काम होता है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन बॉडी में प्ले करना। जैसे हम ब्लड को भी एक टिशू कह सकते हैं। ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो एक टिशू है। टिशू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है पूरा ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस, ये सब चीज़ें मिला के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। इसी तरह के ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिल के एक बॉडी बनाते हैं। यानी सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम एंड कई ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है। अब सिर्फ एक ये कॉम्प्लेक्स बॉडी, इस तरह के ही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, सिंगल सेलुलर, यूनिसेलुलर, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिज़म्स, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो जैसे ऑर्गेनिज़म्स के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इन्हीं के सिंगल सेल के अंदर ही, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन प्ले करके इस सेल को जीवित रखती हैं, इसके सारे सर्वाइव कराती हैं, लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं इसके। तो है बड़ी हैरानी की बात, ह्यूमन सेल या किसी एनिमल का एक सेल लेके वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि ये सिंगल सेल सर्वाइव करता है, सारे अपने लाइफ फंक्शंस पूरे करता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर के। मल्टीसेलुलर में सारा मैन, फिश, बर्ड्स, एनिमल्स, सारे ये आते हैं मल्टीसेलुलर। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे मैन के अंदर ब्लड सेल है, मसल सेल्स है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो टाइप इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे सेल के। सेल के बाहर अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स एक जेली लाइक थिक लिक्विड सा। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक तरह से पूरा कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। अब न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से अलग रहे, इसके लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, ताकि वो इसके अंदर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस टाइप की होती है जिस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन होती है, कि कुछ चीज़ें इधर उधर आ जा सकती हैं, राइट। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो अंदर आ जाती है, बाहर आ जाती है, लेकिन ये एक इसके अंदर बंद रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहेगा अगर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी, बिल्कुल स्फीयर शेप की बॉडी होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स का काम होता है जीन्स कैरी करना। कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं, सेम टू सेम वो इन्हीं के कारण आती हैं। क्रोमोसोम्स हमें बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से भी तब दिखाई देते हैं जिस टाइम सेल का साइज ग्रो कर जाता है एंड इट इज़ अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिविजन कैसे होता है, सेल एक ग्रो कर जाता है साइज में और फिर बड़ा होकर उसके न्यूक्लियस और वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। जो दो सेल्स बनती हैं उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं।
तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है कोई सेल इतने बड़े साइज की हो जाती है कि वो माइक्रोस्कोप से उसका, तब हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से भी, तब दिखाई देते हैं जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब दो टाइप हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल होती हैं जिनके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा ना, ऐसे फैला सा रहेगा, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस कारण ये वेल डिफाइंड होता है और ये ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग करती है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं चैप्टर से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे चारों ओर या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स जो होती हैं तो वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कैन वी लिस्ट दीज फंक्शंस? फंक्शंस हम बता सकते हैं कि एक लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा होता है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन किससे बना है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विच इज सेल, सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स कई ऑर्गन सिस्टम मिला के एक बॉडी बनती है। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स, इसी तरह सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, कई ब्रिक्स मिला के एक बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए सेल जो होती है वो असेंबल्ड होती है। अब ये सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्लाइसेस देखे कॉर्क के। कॉर्क क्या होती है, एक ट्री के बार्क होती है, ये थोड़ी स्पंजी सी होती है। तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से इसको स्टडी किया। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। उस टाइम इतने अच्छे माइक्रोस्कोप भी नहीं होते थे, जैसा अवेलेबल था उसके अंदर उसने उसको स्टडी किया। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस, कुछ पार्टीशन बॉक्सेस नजर आए और कंपार्टमेंट्स, जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस थी, तो उन स्पेसेस को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल का। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनीकॉम, हनीकॉम जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बने होते हैं कंपार्टमेंट्स, उस तरह के लगे। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ वॉल, एक बॉक्स दूसरे से एक वॉल से सेपरेटेड था। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, और हुक ने ही टर्म दी, उसको नाम दिया सेल का। सेल जैसे एक छोटे से रूम को कहते हैं ना, उस तरह से सेल अलग अलग कंपार्टमेंट्स। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। अब ये बार्क ऑफ द ट्री में हमेशा डेड सेल्स होते हैं, तो जो उसने कॉर्क में स्टडी किया था वो एक डेड सेल थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आ गए तब अच्छे से सेल को स्टडी कर पाए। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के बाद 150 ईयर्स तक, क्योंकि माइक्रोस्कोप्स अच्छे अवेलेबल नहीं थे इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं हुई। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। आज हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ज़्यादा अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जो बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन करते हैं। द सेल बोथ ब्रिक्स एंड इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जैसे एक वॉल बनती है बिल्डिंग, कई वॉल्स मिला के बिल्डिंग बन जाती है, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल यूनिट वो ईंट है, ब्रिक है। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल है। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, बिल्डिंग तो एक ही जैसी ब्रिक्स से बनी होती हैव डिफरेंट डिजाइन शेप्स एंड साइजेस। सिमिलरली तो ब्रिक्स जो होती हैं वो अलग अलग डिजाइन शेप और साइजेस की भी हो सकती हैं। उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग होते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स।
कोई भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़ा, सब सेल से बने। सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अब ब्रिक्स तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, लेकिन सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग काम परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए सेल को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक बॉक्स दे रखा है, अ हेंस एग कैन बी सीन इजीली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जो एग होते हैं वो एक ही सेल होता है, सिंगल सेल। एन एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द बाय अनएडेड आईज। यानी कोई मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं होती, अनहेल्प्ड आईज भी उसको आराम से देख सकती हैं। तो हेन का एग जो है वो एक सिंगल सेल है, और सबसे बड़ी सेल जो प्रेजेंट है वो है ऑस्ट्रिच का एग, वो एक सिंगल सेल है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिजम्स में सेल का नंबर भी अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होती है और साइज अलग अलग होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल को साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। स्टेन्स आर यूज, एक स्टेन्स या डाइज यूज होती हैं, उसमें एक इंक ड्रॉप की तरह डाल दी जाती है और फिर उसके बाद स्लाइड को बंद किया जाता है, तो जितने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं वो और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। टू कलर द पार्ट ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर्स। और ये स्टेन्स लगाने का एम क्या है, ताकि वो कलर कर दे पार्ट्स ऑफ सेल को, ताकि हम डिटेल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर सके। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप और साइजेस के हैं। देर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गन्स भी अलग अलग शेप के हैं, साइज के हैं, उनमें नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। एलिफेंट के अंदर कितने सेल्स होंगे। नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस में नंबर होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो है अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अ बिलियन इज 1000 मिलियन, दिस यू नो दिस इज अ फैक्ट गिवन। अ ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मीन्स जिसके अंदर ज्यादा सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर है। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल कम होते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उससे किसी तरह से फंक्शनिंग कम नहीं होती ऑर्गेनिज्म की। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म जिसमें बिलियंस ऑफ सेल होती हैं उसकी लाइफ शुरू एक सिंगल सेल से ही होती है, विच इज फर्टिलाइज्ड एग। वो फर्टिलाइज्ड एग है, वो डेवलप होने के बाद सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. Look at figure 8.3. Both organisms are made up of single cell. Ye single cell hai, amoeba and paramecium. Single celled organism are called unicellular. Uni means single, cellular matlab cell wala, single cell wala unicellular kehlata hai. Organism, a single celled organism perform all necessary functions that multicellular organism perform. Multicellular में अलग अलग cells अलग अलग function play कर रही होती हैं, जबकि single celled में एक ही cell के अंदर सारे functions perform हो रहे होते हैं. A single celled organism like amoeba captures and digests food. एक single celled organism जैसे amoeba है वो capture करता है और digest कर लेता है food को, respiration भी कर लेता है, excretion भी कर लेता है, grow भी कर जाता है, reproduce भी कर लेता है. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग स्पेशलाइज सेल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सेल जो हैं वो फॉर्म करती हैं डिफरेंट टिश्यूज, टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under microscope. Microscope में study कर सकते हैं। Alternatively, teacher can collect pond water and show these organisms by preparing slides. Pond water में easily available होते हैं, वहां से भी इनकी slides बनाई जा सकती हैं। Now we come to shape of cells.
रेफर टू फिगर 8.3। 8.3 में देखो, ये गोल दे रखे हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड को घूमना होता है पूरी बॉडी में, वेन्स में से आर्टरीज में से जाना होता है, इसलिए मूवमेंट ताकि आसान हो, इसलिए इनके शेप इस टाइप की है। मसल्स को जो फंक्शन करना है बोन्स के साथ, तो वो इसलिए इनकी ऐसा एलोंगेटेड शेप है। न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो है ये लॉन्ग है, ब्रांच्ड है, क्योंकि इसका फंक्शन है सेंस ऑर्गन से पहुंचाना मैसेजेस ब्रेन तक, इसीलिए ये लेंथ में ज्यादा है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर? वो जो पुरानी फिगर है उसके अंदर अमीबा की शेप कैसी है? यू मे से दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर। वहां अमीबा की शेप तो इरेगुलर है, इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म की परफेक्ट शेप होती है, अमीबा की नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, शेप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, अलग अलग लेंथ के स्यूडोपोडिया निकल रहे होते हैं उसकी बॉडी में से। जैसे इसे यहाँ पे अगर फूड पता चला तो इधर इधर से स्यूडोपोडिया आ जाएगा और उसको फूड को कैप्चर कर लेगा। मूवमेंट के लिए भी स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। एज यू लर्न इन क्लास 7, दीज प्रोजेक्शन अपियर एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। खाता है या मूव करता है तो ये अपियर हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप? शेप चेंज करने से उसको क्या फायदा होता है? उसको फूड मिल जाता है, उसको मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। ह्यूमन बॉडी में वाइट ब्लड सेल ऐसा है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है। वाइल WBC इज अ सेल, WBC एक सेल है, अमीबा इज अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा अपने आप में सिंगल सेल होते हुए भी पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स? अब शेप क्या होगी मिलियंस ऑफ सेल वाले में? अब नीचे इसमें फिगर में दिखा रखी है अलग अलग शेप्स, ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल इन ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ये मैंने पहले बताया, फंक्शन के साथ इनकी शेप्स रिलेटेड है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबी, ठीक है, एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप है। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कई बार बहुत लंबी होती है। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल, नर्व सेल की जैसे ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज, इसका काम क्या है? मैसेजेस रिसीव करना, उसे ट्रांसफर करना, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body। कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, वर्किंग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, वो इनका काम है। कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ सेल गिव्स इट शेप? गिव्स इट शेप, शेप उसकी कहाँ से आती है? जो बाहर की उसकी कवरिंग होगी उसी से शेप आएगी ना। कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल आर इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, ये सारे कॉम्पोनेंट्स जो सेल के होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। ये मेम्ब्रेन ही जिस शेप की होगी उसी शेप का सेल होगा। मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल, एक कवरिंग, एडिशनल कवरिंग और होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स, ये इसको शेप भी देता है और रिजिडिटी मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ देता है, और रिजिडिटी मतलब एक जगह रहने की क्षमता, एक जैसा रहने की। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल की भी सेल वॉल होती है। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर, जैसे हम माइक्रोमीटर या माइक्रॉन बोलते हैं, इतनी छोटी भी हो सकती है सेल, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, सारे सेल्स जो होते हैं वो साइज में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, एंड आर नॉट विजिबल बाय अनएडेड आइज, अनहेल्प्ड आइज से वो दिख नहीं सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से एनलार्ज करके हम उन्हें देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल इतनी बड़ी होती है। लार्ज सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ी सेल है। एक एक्टिविटी है, बॉइल कर लो हेन का एग, रिमूव कर लो उसकी शेल, क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाइट मटीरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, व्हाइट मटीरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग,
वाइट पोर्शन जो है एल्ब्यूमिन है वो बॉइलिंग पे सॉलिडिफाई हो जाता है. येलो पार्ट इज योक. दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंगल सेल. यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस. आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दैट सेल इन रैट? रैट के अंदर जो सेल्स होते हैं उससे एनिमल ये एलिफेंट के सेल्स का साइज क्या ज्यादा बड़ा होता है? तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन एन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट. एलिफेंट का सेल जरूरी नहीं है कि बड़ा हो रैट के सेल से. द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. साइज बड़ा है तो वो इसलिए क्योंकि उसको कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इसलिए उसके साइज डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, नर्व सेल का जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसकी लंबाई ज्यादा है. बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. दोनों में ही ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, रैट में और एलिफेंट में. नर्व सेल क्योंकि उसका काम है जिस तरह का मैसेजेस देने हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस. दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अब सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है? यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड अब्सॉर्प्शन. सबके अलग अलग रोल होते हैं. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज फंक्शन. प्लांट में भी इसी तरह से अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड. ईच ऑर्गनिज तो जिस तरह से रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लीव्स का काम है फूड सिंथेसाइज करना. तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एनिमल की तरह प्लांट्स में भी. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज. ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से बना होता है. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. एक जैसी सेल से एक ग्रुप बना होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं. परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ये समझ आ गया ना कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन बॉडी. पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के पार्ट्स क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला है. बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियस उसके बीचों बीच में होता है. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बंद होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को अलग करती है एक सेल से दूसरी सेल को, और सराउंडिंग मीडियम से भी अलग रखती है. एक तरह से पैक्ड रखती है वो उसको, सेल का सारा उसके अंदर पैक्ड रहता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. अब ये जो सेल की मेम्ब्रेन है वो पोरस है. पोरस मीन्स उसमें से इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है सब्सटेंसेस का, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. उसके अंदर भी आ सकता है थोड़ा, उसके बाहर भी जा सकता है. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एक एक्टिविटी है टू द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल. टेक एन अनियन बल्ब. अनियन बल्ब लो, रिमूव करो ड्राई पिंक कवरिंग उसकी, और फिर उसके बाद सेपरेट करो फ्लेशी वाइट लेयर्स ऑफ बल्ब, और फोर्सेप्स की हेल्प से अनियन बल्ब के अंदर से एक थिन लेयर मिल जाती है मेम्ब्रेन टाइप सी. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्लास ग्लास लाइट. ग्लास लाइट के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा रखो उसका. द थिन लेयर कैन ऑल्सो बी कट इन टू स्मॉलर पीसेस. छोटे पीसेस से हम पीसेस में हम उसे काट सकते हैं ब्लेड या फोर्सेप से. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सोल्यूशन. अब ये स्टेनिंग के लिए मिथाइल ब्लू सोल्यूशन लिया है ताकि वो उसके ऊपर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखा सके उसको स्टेन करके. टू द लेयर एंड प्लेस द कवर स्लिप ऑन इट. कवर कवर कर दिया उसे ग्लास स्लाइड से. वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप. कवर स्लिप को इस तरह से लगाना है एयर बबल्स ना बने. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप. ड्रॉ एंड लेबल एंड कंपेयर इट विद फिगर 8.5. इस तरह की स्लाइड दिखाई देगी.
बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब ये प्लांट सेल की है इसलिए इसमें सेल वॉल भी है। सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो गोल बॉडी है बीच में ये न्यूक्लियस है। जेली लाइक सब्सटेंस जो बाकी भरा हुआ है इसके अंदर दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट्स सेल नीड सेल वॉल। सेल वॉल की क्यों जरूरत होती है प्लांट को। यू हैव लर्न अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो शेप देती है सेल को। इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल की एक और थिक आउटर कवरिंग होती है इसे सेल वॉल बोलते हैं। इन एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस वेरिएशन इन टेम्परेचर हाई विंड स्पीड एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। जिस तरह से एनिमल्स हैं वो देखते हुए कि विंड चल रही है या टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वो कहीं जा सकते हैं, प्लांट्स को वहीं खड़े रह के जहाँ पे होते हैं वहीं पे वो सब सहन करते हैं। तो इसके लिए एक रिजिडिटी चाहिए उनको, इसके लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग उनके पास सेल वॉल है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैनॉट मूव। इन वेरिएशन का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन लीफ पील ऑफ ट्रांसेंटिया एलोडिया एंड रियो। इनके प्लांट की लीफ लेके उसके अंदर से हम प्लांट की सेल को स्टडी कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। अनियन की तरह इसकी स्लाइड बना सकते हैं। पहली आस पूछो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। एनिमल सेल कैसे हम कर सकते हैं, टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैचस्टिक विद हेल्प विद द टिप ब्रोकन। मैचस्टिक की टिप को तोड़ के या किसी टूथपिक को लेके स्क्रेप इनसाइड योर चीक। माउथ के अंदर से चीक पे से थोड़ा सा स्क्रेप करो टूथपिक से विदाउट हर्टिंग इट। प्लेस इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्लास स्लाइड। दिखाई नहीं देगा लेकिन एक ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड पे लेके उसके ऊपर उस टूथपिक को टच करोगे तो कुछ सेल्स चीक सेल्स आ गए होंगे। उसमें आयोडीन डाल के वो स्टेनर की तरह आयोडीन डाली, कवर स्लिप लगाओ और एक दो ड्रॉप्स मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन का डाल सकते हैं स्टेनिंग के लिए। ऑब्जर्व करो उसको माइक्रोस्कोप में, नोटिस करो सेल्स को वो कैसी दिखाई देंगी। नेक्स्ट पेज पे है इसमें, ये दिखाई देगा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बीच में और ये सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज। अब ये इसके अंदर कुछ और कॉम्पोनेंट्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ इसमें बता रखे हैं तुम्हें सेल ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं। जिस तरह से एनिमल्स में ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इसी तरह से एक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन सेल ऑर्गेनेलीज के नाम है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज राइबोसोम्स एटसेट्रा। वी लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। ज्यादा इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम ज्यादा बड़ी क्लासेस में। न्यूक्लियस इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लिविंग सेल का। इट इज जनरली स्फेरिकल जनरली गोल होता है एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर में होता है बीचों बीच में। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। स्टेनिंग से ये अलग से दिखाई दे जाता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल एक सेल मेम्ब्रेन में बंद है उसी तरह से न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद होता है। दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है और वो अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर कर सकता है, न्यूक्लियस से जो नहीं चाहिए वो साइटोप्लाज्म में जा सकता है। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस। और हायर मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये कैरी करते हैं जीन्स एंड हेल्प द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती हैं वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं।
क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। सेल जब डिवाइड होने वाली होती है तब उसका साइज बड़ा हो जाता है। उस बड़े साइज के टाइम पर अगर हम नोटिस करें तब ही हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, नहीं तो नहीं नजर आते हैं। जीन, जीन क्या है, ये बॉक्स में दे रखा है। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, इसे हम जीन्स बोलते हैं। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं, जैसे दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू, कि कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक आप में आती हैं। इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। मदर के अगर कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर हो सकते हैं। हाउएवर इफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक नजर आती हैं हर एक में। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस का जो रोल है इनहेरिटेंस में भी है, और वो एक्ट करता है एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। द एंटायर कॉन्टेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पूरा कॉन्टेंट जो लिविंग सेल का है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ प्रेजेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इसको हम सेल का लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। पहली वो सुनो, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इन सेल ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर कैसा है न्यूक्लियस का, अब देखो इसमें न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल का थोड़ा अलग तरह से ऑर्गेनाइज होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट। देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती बैक्टीरियल सेल की। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक। और ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो तो उसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तरह का सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। द सेल्स लाइक अनियन सेल एंड चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। चीक सेल या अनियन सेल जिसके अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर यूकैरियोट्स। सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़ के और ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़ के यूकैरियोट्स ही होते हैं। वेल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल अंडर माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स। अनियन सेल जब देखा था तो कुछ खाली से स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं खाली स्ट्रक्चर, वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन अनियन सेल, और वो सिंगल भी हो सकते हैं और काफी बड़े हो सकते हैं। चीक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल, और एनिमल सेल में चीक सेल क्योंकि एनिमल सेल है इसके अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, खाली जगह छोटी छोटी होती हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ये आप फिगर में भी देख सकते हो। प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल है जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल ये छोटा सा है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेड सेंटिया लीफ। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं हम कुछ कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती हैं। दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये कलर्ड बॉडी फैली हुई होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की होती हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, उनमें से किसी किसी प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, उससे ग्रीन कलर मिलता है हमें लीव्स का। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पता ही है क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, इफ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3 एंड 8.4, यू शुड वो एक चीक सेल और अनियन सेल की, यू शुड बी एबल टू कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली, केयरफुली उसे ऑब्जर्व करो, लेट्स टैबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विश
फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन. बहुत सारे फीचर्स होते हैं लेकिन अभी थोड़े ही फीचर्स आपको बताए जा रहे हैं. जैसे वैक्यूल का डिफरेंस, इसमें बड़ा है वैक्यूल, एनिमल सेल में छोटा है वैक्यूल. सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इसमें इधर है, न्यूक्लियस इसके बीचों बीच में है. इसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रीन पिगमेंट जिसके अंदर है, ये क्लोरोप्लास्ट है, प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ऐसी चीज नहीं है. इसका हम टेबल फॉर्म में बना सकते हैं. सो द चैप्टर इज हियर कंप्लीटेड. थैंक यू.